वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपने अगर किसी को उधार में पैसे दे रखे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर अन्य कोई व्यक्ति हो, तो उससे आप पैसे कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। वो पैसे नहीं लौटा रहा है, आपने पूरी कोशिश कर ली है फिर भी वो पैसे नहीं लौटा रहा है, तो कौन सी कानूनी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं जिससे वो पैसे वापस आपको मिल जाए। तो मैं कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाता हूँ जिससे वो वापस पैसे मिल जाते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। और मेरे से अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। कभी भी आप अपने नंबर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं कोई भी इसके ऊपर फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। मुझसे बात करनी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उसी के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है कि कई लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम निकालने के लिए पैसे उधार में तो ले लेते हैं, पर बाद में जब देने की बारी आती है तो वो आनाकानी करने लगते हैं, कई बहाने लगाने लगते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि साफ मना कर देते हैं कि मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ, तेरे को जो भी करना है वो कर ले, मैं पैसे तेरे को नहीं दूंगा, ऐसे साफ मना कर देते हैं। तो ऐसे मामले मेरे पास में आते ही रहते हैं, मैं कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाता हूँ जिससे वो पैसे वापस मिल जाते हैं, स्टेप वाइज पूरी जानकारी दूंगा, तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। तो कई बार क्या होता है कि दोस्तों, आप अपने रिश्तेदारों को पैसे दे देते हैं, आप उनका कोई प्रूफ वगैरह नहीं बनाते हैं, कोई प्रूफ वगैरह आपके पास में नहीं होता है, कोई सबूत वगैरह नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रूफ और सबूत बनाने हैं, उस जरिए से बनाने हैं कि आपको उससे कॉल के ऊपर बात करनी है, और बात इस जरिए से करनी है, इस तरीके से करनी है कि वो उस कॉल के ऊपर स्वीकार कर दे कि उसने पैसे ले रखे हैं। फिर उसकी वॉइस वगैरह आपको रिकॉर्ड कर लेनी है, तो ये प्रूफ आपके पास में हो जाएगा। या फिर आपको उससे व्हाट्सएप के ऊपर चैट वगैरह करनी है, तो ये प्रूफ भी आजकल मान्य है। तो ऐसे प्रूफ और ऐसे सबूत आपको कलेक्ट करने हैं जिससे आप पैसे ले सकें। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है कि कोर्ट में जाना है और वकील साहब से मिलके, और आपको क्या करना है कि वहाँ पे CPC के ऑर्डर नंबर 37 के तहत उसके खिलाफ आपको केस कर देना है जिससे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे आपको सर्विस वगैरह लगनी है या फिर कोई बिजनेस वगैरह करना है, उसमें आप पैसे वगैरह दे देते हैं पर आपका काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे पैसे भी कई बार डूब जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि कोर्ट में ही जाना है, वकील साहब से मिलके, और आपको वहाँ पे 406 में ब्रिज ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल का केस वहाँ पे करना है उनके खिलाफ, या फिर 420 चीटिंग का केस आपको करना है। तो ऐसे ही कई धाराएं हैं जो आप उनके ऊपर लगवा सकते हैं, आपकी कंडीशन आपके केस के अनुसार उसके ऊपर धाराएं लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोर्ट में जाना है और वकील साहब से वहाँ पे एडवाइस वगैरह लेनी है, और इस जरिए से आप उसके ऊपर धाराएं वगैरह लगवा के अपने पैसे वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान कानूनी प्रक्रिया है, अगर आपके पैसे डूबे हुए हैं तो बिल्कुल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, इस वीडियो को आपको रोकना नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल आपको इसको शेयर करना है आगे, इसमें 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल इसको शेयर करके आगे जरूर भेजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, और फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।